चैनल पे स्वागत करता हूं। आज इस कोरोना के दौर में जहां पर बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओ अपने अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नौजवान समाज सेवा रजिस्टर्ड संस्था है जो कि फाजिलका से है, उनके प्रधान रवि कुमार जिन्हें आप जिसे आप बड़े प्यार से लवली बागनिकन के नाम से जानते हैं, आज वो हमारे न्यूज रूम में पधारे हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। लवली जी, पहले हम ये बताएं हमारे दर्शकों को, आपकी संस्था को बने कितने वर्ष हो गए? पहला तो सारों प्यार भरी सत श्रीकाल, नमस्कार जी। सब तो पहला मैं एबीएन चैनल फाजिलका संदीप अग्रवाल जी, बंटी शर्मा जी का बहुत शुक्र दिल तो धन्यवाद करना कि मैनू इस लायक समझा कि लोगों के विच रूबरू होने का टाइम दिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा जी चैनल का जी। हाँ जी सर। सर मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि आपकी संस्था को बने कितने वर्ष हो गए और आपका मोटिव क्या था, आपका संस्था बनाने के पीछे तर्क क्या था, आपने क्या सोचा कि मैं इस संस्था को शुरू करूं, आपका उद्देश्य क्या? ठीक है जी। आज कोई 9 साल पहला जी मैं फरीदकोट एक पेशेंट सीगा, उन्होंने नाल उथे गया सीगा जी, ते उथे मैं देखा एक नशे करके एक व्यक्ति की मौत हो गई सी जी, 9 साल पहला जी। तो मैं इस तरह लग्या कि मैं एक अच्छे कमां च आवां, एक सोसायटी बना वधिया नाल तुरां, तो मैं लग्या भी नशे करके किसी का परिवार जाना, किसी का जी जाना बड़ा दुख वाली गल है जी। मैनू बड़ा महसूस होया, तो मैं फिर फाजिलका जाके सोचा कि एक एनजीओ नाम की चीज आपां एनजीओ बनाईए, समाज सेवा करिए, लोगों को जागृत करिए। सब तो मेन मुद्दा मेरा यह सीगा भी नशे तो दूर रहिए, अच्छे कमां च समाज सेवा कमां च अपने मैंबरां नूं लावां जी। रवि जी, बहुत आपका उद्देश्य पवित्र भी है और बहुत अच्छा। आज के युग में जहां नौजवान पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है, आपने उनको बचाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया, तो जब आपने निर्माण किया उस वक्त आपके कितने मेंबर थे और इस वक्त प्रेजेंट तौर पर आप कितने मेंबरों के साथ लोक सेवा में लगे? हाँ जी सर, सर 2012 च 18 तरीक 8वां महीना 2012 च संस्था का स्थापना की जी रल के, उस तो बाद जी 15 तरीक 9वां महीना 2014 च यह सरकार वालों रजिस्टर कराया जी। संस्था रजिस्टर कराने का साडा मोटिव सी कि सरकार वालों मानता प्राप्त जी, यह जी असी मैं घट तो घट 11 मैंबर की टीम बनाई सी पहला, सब तो पहला, पर साढ़े 8-9 साल च अच्छा काम वेख के शहर वासियां ने प्लस पंजाब के वासियां ने जी सानू बहुत सहयोग दिता जी। मेरे वालों हुण तक भी कॉल आंदे ने कि पंजाब विच भी सानू भी इस सेवा का तुसी इत्थे प्रदान नियुक्त करो, तो यह सेवा असी करना चाहते हैं। फाजिलका विच साढ़े घट तो घट जी 1000 वॉलंटियर इत्थे मौजूद है जी, जिहड़ा कि पहला संस्था विच मैं अकेला सीगा, उस तो बाद 11 मैंबर की टीम बना के मैं एक काम सुचारू रूप नाल कीता सीगा जी। लवली जी, ये तो एक आपने वो कहावत जो किसी का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता है। हाँ जी, हाँ जी सर। बहुत बहुत आपको मुबारक भी है, हमारा आशीर्वाद भी है, लेकिन जो हमारे सूत्र है वो ऐसा बताते हैं कि जो आपकी संस्था है वो बिना सरकारी सहायता से लोगों की सेवा कर रही है, तो आप तो इतना जो उसके ऊपर खर्च होते हैं वो कहाँ से आप उठाते हैं? सर सारे ही साढ़े वॉलंटियर ने मैंबर ने सारे मिडिल क्लास तो ने जी, 7-7, 8-8, 10-10 हजार च घर का भी देखना, असं आपकी नेक कमाई चो उन्हां चो कढ के जी अपने लोगों की सेवा वास्ते लाने जी पैसे जी। चलो मैं एक बार फिर से अपने एबीएन न्यूज चैनल के दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज हमारे बीच में एक ऐसे नौजवान के शब्दों को सुना जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं अपनी अपनी संस्था के साथ मिलकर। तो मैं आशा करता हूँ इसी तरह निस्वार्थ भावना से समाज सेवा में लगे रहेंगे और इस कोरोना की महामारी में हमारे शहर की सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ हम आपकी मुलाकात लवली जी की टीम मेंबर हैं जो युवराज बंदेपुरिया जी, वो भी हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं, तो वो मेडिकल सेवा देख रहे हैं संस्था की तरफ से, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना इस जो सेवा सेवाकार सेवा में लगे हुए हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे। जय हिंद दोस्तों। सर मैं ये बताना चाहूंगा, आज से 3 साल पहले मेरे फादर साहब को शुगर की प्रॉब्लम थी, उनका अंगूठा खराब हो गया था। मैं अस्पताल में जाता था, मैं देखता था डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, डॉक्टर पूरी केयर करते थे, पर ये कोई रास्ता नहीं दिखाता था सर। फिर मेरी मदर को कैंसर हो गया सर, मैं फरीदकोट गया, फरीदकोट भी मुझे ये सेवा करनी अच्छी लगती थी। फिर मैं लवली जी से मिला, लवली जी ने कहा, फिर मुझे मेडिकल सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है,
मैं पेशेंट को लेके जाता हूँ, कोई गरीब होता है, कैंसर मरीज होता है, कईयों को कई फार्म भी होते हैं, फैसिलिटी भी होती है, वो नहीं पता होती है फरीदकोट के अंदर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर हम लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं भाई ये कार्ड लगेगा, कोई नाम सही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इलाज के अंदर हम वो हेल्प करते हैं। अगर जैसे रेड क्रॉस की तरफ से अगर कोई हेल्प मिलती है वो भी उनको हेल्प दिलवाते हैं। बड़ा ही पवित्र आपका कार्य है जी। वो कहते हैं कि जिन तंग लागे वो तंग जाने। आपको वो जो कष्ट महसूस किया आपने, आपके अंदर वो भावनाएं आई, जो दुख मैंने सहा है वो कोई दूसरा सहा है। बहुत अच्छी बात है आपके लिए जी। आप साथ हमारे इस संस्था के जो पत्राचार करते हैं, जो इस संस्था की न्यूज को आगे बढ़ाते हैं, इस संस्था के कार्यक्रमों को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, विनय परवाना जी, ये भी दो शब्द कहेंगे आज हमारे न्यूज चैनल में बता रहे हैं। विनय जी जय हिंद जी। पहला तो मैं साडे छोटे वीर अबरोल जी नू बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जिहड़ा इन्होंने चैनल शुरू किया है। तो मैं कहना भी रब करके इन्हां चैनल दिन रात दोगुनी तरक्की करे, तो सानू इस तरह ही मौका मिलता रहे कि असि इन्हां दे नाल जुड़ के समाज सेवा के काम करते रहिए। हां जी, काम सर मैं पहला इस तो पहला अखबार से काम करता जी गंगानगर, तो मेरा फाइलका से जिम्मे एंट्री हुई, लवली जी नाल मेरी मुलाकात हुई, तो इन्होंने मैं दसिया भी असि एक संस्था चलाने हैं, तो तुसी इन्हू ज्वाइन करना चाहोगे। मैं इन्हों के काम वेखे जी, एक दिन वेखे दो दिन, मैं जी काम नाल इंप्रेस होया इन्हों दे। तो वो सानू सीगा मेरे ख्याल सर 2009 दा सानू सीगा, तो उदो लैके अज तक मैं इन्हों नाल जुड़िया हां। तो जेड़ा भी ये मान लो साडा मोटिवेट हुंदा जी, जेड़ा साडे कप्तान ने कहता यस, तो उथे यस है जी। कप्तान सानू अद्धी रात नू जे कहता भी अज किसी नू ब्लड दी लोड़ है जां कोई गौ माता दा घायल है उहनू हस्पताल पहुंचाना है, जे किसी तरह की कोई सुविधा किसी नू चाहिए है, तो साडे प्रधान जी ते साडी टीम 24 घंटे तैयार रहिंदी है। तो मैं वह प्रधान जी साहब तुहानू गल विचे रह गई सी थोड़ी जी, प्रधान जी ने सेवा अगे वधाउण वास्ते विंगा का विस्तार किया, जिवें साडे प्रधान जी ने आटो विंग यूनियन का प्रधान बनाया, लेबर विंग का प्रधान बनाया प्रधान जी ने, फिर उस तो बाद साडे वार्ड प्रधान, यूथ प्रधान, शहरी प्रधान मोहित कश्यप जी है साडे, वह किसी कारण आ नहीं सके। तो मैं कहना भी जेड़ा भी इन्होंने उपराला किया सीगा अज रब की दया नाल वह उपराला इन्होंने सही चुकया सी, ते अज बहुत ही वधिया काम इन्हें कर रहे हैं। तो इस टाइम मंडी दे विच इन्हां दे घट्टो घट 35 वलंटियर काम कर रहे जिहड़े सरकार दे नाल कंधा दा कंधा ला के काम कर रहे, क्योंकि साडे SSP साहब ते DSP जगदीश कुमार जी की देख रेख च, ते अपने शर्मा जी की अगवाई च यह आदि सेवावां दे रहे हैं। सवेरे 6 बजे तो लैके राती 9 बजे तक निःशुल्क सेवा दे रहे हैं अपने। तो मैं कहना भी अगे भी असि एवं सेवावां देंदे रहांगे जे सानू मौका मिलिया तां। धन्यवाद जी। मैं राजेश शर्मा एक बार फिर से ABN न्यूज चैनल परिवार की तरफ से आपका दोबारा धन्यवाद करता हूं कि आज के इस कोरोना महामारी के युग में आपने इतना कीमती समय हमें दिया, और परमात्मा से मैं दुआ करता हूं आपकी सेवा भावना इस तरह बनी रहे और आप लोग सेवा में लगे रहे। जय हिंद, नमस्कार। ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।